विधायक सुरेंद्र सिंह लगातार जो आरोपी पक्ष है उसके साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं इस पर, इनसे जानते हैं। क्या कहना है आपका? बलिया में जिस तरह की घटना हुई है, गोली चली, भीड़ के बीच प्रशासन की मौजूदगी में गोली चली, आरोपी को पुलिस ले जाती है फिर छोड़ देती है, और आज इनाम घोषित हो रहे हैं, आरोपी की तलाश की जा रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी उत्तर प्रदेश में ये जिस उद्देश्य से आए, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ना तो हट गया सरकार आते ही, गुंडा राज युक्त और भ्रष्टाचार युक्त सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। जहां तक बलिया का आपने सवाल किया है, वो बीजेपी का नेता है और मुख्यमंत्री के जाति का है, सबसे बड़ी बात है। और गाड़ी में बैठा करके उसको छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऊपर से फोन आ गया कि उसको छोड़ दिया जाए, वो बीजेपी का नेता है और मुख्यमंत्री से लगाव है, विधायक से लगाव है, संबंध है, बीजेपी का नेता को लगाव तो स्वाभाविक है। पुलिस उत्तर प्रदेश में हमने सुना है, जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पे काम करती है, जिसका उदाहरण बलिया में भी मिला, उसका उदाहरण हाथरस में भी मिला, पूरे प्रदेश में मिला है। और ये बीजेपी अपराधियों को संरक्षण दे रही है, गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। एक ब्राह्मण की हत्या हुई, अंग्रेज चला गया, बीजेपी गवर्नमेंट में 3000 ब्राह्मणों की हत्या करवा डाली, इसको जाना है। अब 2022 में फिर ये आने वाले लोग नहीं, इस नाते ये उपद्रव जितना करना हो कर लें, जितना शासन के बल पे गुंडाई करना हो कर लें, जिस तरह का खेल बलिया में हो रहा है उस तरह, उस खेल की तरह उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं। खेल हो रहा है, किस तरह का खेल, कौन सा खेल आपको लगता है, इसके पीछे क्या है? अपराधी को बचाने का खेल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बस कोई घटना होती है तो सस्पेंड कर देते हैं, इनाम घोषित करा देते हैं, उसका निपटारा तो कराओ। एक केस बता दे 3.5 साल में जिसका निपटारा इन्होंने कराया हो, एक केस। हाँ, निपटारा कराया, उन्नाव विधायक ने अगर रेप कांड में दोषी पाया गया उसकी जमानत करवा दी, किन्मयानंद जी ने रेप किया लड़की जेल में उसकी जमानत करा के छोड़वा दिए, डिप्टी एसपी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है उसकी जमानत हो जाती है, कौन करा रहा है, सरकार करा रही है। तो ये अपराधियों को पालते हैं और अपराधियों से अपराध करा करके वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गरीब कमजोर लोगों के ऊपर ये दबाव बना करके इनको रखना चाहते हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह जी लगातार जो आरोपी पक्ष है उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्यों, क्या लगता है? क्योंकि उनकी बिरादरी का पहला उनकी बिरादरी का है, उनकी पार्टी का है, वो उनको पहले हत्या के पहले उसको रसगुल्ला खिलाते हुए हमने देखा है, सोशल मीडिया पे उनकी फोटो वायरल हुई है, टीवी पे भी कई चैनलों पर हमने देखा चल रहा है। तो पहला तो उनकी बिरादरी का है, दूसरा उनकी पार्टी का है, तीसरा उनकी सरकार उसको संरक्षण दे रही कि तुम उसके साथ खड़े हो जाओ। मैं मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कह रहे खबरदार अपराधी के साथ नहीं, गोली मारा है, FIR हुआ है, एक नंबर का मुलजिम है, उसके साथ खड़ा होने का मकसद क्या दिखता है? सरकार का संरक्षण। अस्पताल भी ले जा रहे हैं, मेडिकल कराने, फिर थाने तक भी गए, थाने पर जाके या फिर इनके जो पक्ष से भी FIR होनी चाहिए, तो ये क्या है, इसके पीछे क्या, क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अपराधियों को बचाने की साजिश, शुद्ध रूप से बीजेपी, पूर्ण रूप से पुलिस के जो दो तरह के बयान आए, DIG का बयान अलग, SP का बयान अलग, ये साफ जाहिर होता है कि सरकार उसको बचाने में लगी है, बीजेपी के विधायक उसको बचाने में लगे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि जहां सरकार के इशारे पर ही हमने देखा पूर्व DGP OP सिंह जी, SIT ने खुलासा किया कि 50 लाख 60 लाख 80 लाख जिला बेच रहे हैं, कप्तान नियुक्त कर रहे हैं, जब कप्तान आएगा तो अपराध नहीं कराएगा तो कैसे पैसा पाएगा?
तब वो कप्तान थाना बेच रहा है, तो संयम है कोतवाल तो अब बैठा है। आपकी मांग क्या है इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर? देखिए, हमारी मांग है उस पीड़ित परिवार को, जो पाल की हत्या हुई है, उस परिवार को 50 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी जो मुख्यमंत्री जी देते हैं, लेकिन इनकी नीयत बलिया में हत्या होगी किसी की 10 लाख, लखनऊ हत्या होगी 30 लाख, मुजफ्फरनगर कांड होगा 50 लाख। पहले तो ये तय करें कि सबका साथ सबका विकास, एक के साथ न्याय, एक के साथ अन्याय क्यों? पहला काम कि उसको 50 लाख रुपया उसको दें, दूसरा काम कि पहले अपराधी को गिरफ्तार करें। इनकी पुलिस नाकाम क्यों है? ये हाथ बांध रखी है, सरकार ने हाथ बांध रखा है पुलिस का, उसकी गिरफ्तारी हो। तीसरा काम कि उस परिवार को एक नौकरी मिले, सरकारी नौकरी, वो संविदा दे के नहीं। जैसे हमने देखा कि एक पत्रकार की हत्या हुई तो उसकी पत्नी को संविदा पर दे दिए, मतलब 6 महीने बाद उसको हटा दीजिए, तो वो चिल्लाएंगे कि हम तो नौकरी दे दिए, संविदा वाली नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी दे। सुरेंद्र सिंह जी आपके खिलाफ कई बार बोलते रहे, आप भी जवाब देते रहे, आज आपका तंज उनके लिए कुछ है? उनसे कहूंगा कि अपराधियों को संरक्षण न दें, अपराधी अपराधी होता है। अगर बिरादरी का बना के आप लोग काम करेंगे, बीजेपी करेगी, बीजेपी का नेता अपराध करे उसको हम बचाएंगे, तो ये तो गलत है। क्या आप भी बलिया जाएंगे इस घटना के विरोध में? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कब जाएंगे, क्या करेंगे? 22 तारीख को हमने तय किया है, अभी हम जा रहे हैं बरेली, बरेली घटना हुई है वहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे, घटना हो गई है बक्सर में वहाँ जाएंगे, 21 को वहाँ से लौटेंगे, तो 22 को बलिया जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी साथियों की कोशिश होगी उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तो सुभाषपा नेता